लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार का ये अंतरिम बजट है, तो इससे क्या कुछ उम्मीदें एक आम आदमी लगा सकता है कि क्या क्या बजट में अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं इस बार? देखिए, बजट की अनाउंसमेंट में से मैं पहले ये बताऊं कि ये बजट इंटरिम बजट है, तो इसमें कुछ निगेटिव आने वाला है नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव क्या मिलेगा? पॉजिटिव देखिए, जब नेगेटिव खत्म हो जाए, यानी कि अगर आपका नेगेटिविटी हट जाती है तो पॉजिटिव सब कुछ हो जाता है। तो अब पॉजिटिव की बात करें तो देखिए, कंज्यूमर फ्रेंडली होगा। जितने भी हमारे इंडस्ट्री के भाई लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, उनको फायदा इससे मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा, जो स्ट्रैटेजिक जो टैक्स कलेक्शन यानी जीएसटी में को लेकर के चिंताएं दिखती थी, मुझे लगता है वो भी राहत देगी। अब ईज मिल जाएगा, ईज मिल जाएगा। अब इस तीन फैक्टर को अगर डीकोड करने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा फायदा कहाँ दिखता है? जो सबसे बड़ा फायदा दिखता है वो है कि आपको पेट्रोल डीजल की प्राइसेस, उसमें आपको लगता है कि गृहिणियों का सीधा सीधा फायदा, यानी कि ये जो एनर्जी सेक्टर है वो ग्रो भी करेगा, लेकिन आपका जो एनर्जी यानी कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो अब बढ़ने वाले नहीं है, चाहे आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस जितने भी आगे बढ़ जाए। और साफ साफ है कि जो घर का बजट है जो बनता है एक गृहिणी से, उस गृहिणी को यहाँ पर जरूर लुभावना मिलेगा, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन। लेकिन ऐसा भी तो है, क्योंकि चुनाव आयोग की ऐसी रूल्स हम लोग बोल सकते हैं कि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हो सकती है, तो उसके लिहाज से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम पिछले अगर ये कहें कि पिछले 10 साल का अगर बजट देखते हैं, और या फिर ये कहें कि पिछले 5 इलेक्शन का बजट देखते हैं, तो इंटरिम में कभी भी निगेटिव नहीं देखने, निगेटिव नहीं सबसे बड़ी बात है। दूसरी घोषणाएं दूसरे तरीके से हो जाती है, बेनिफिट जो है वो डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं समझते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव आने वाला है। तो क्या लगता है सरकार का मेन फोकस पॉइंट, अगर हम बात करें तो बजट में क्या हो सकता है, मेन फोकस किस किस चीज पे रहेगा? देखिए, सरकार ने तो मुझे लगता है पहले ही दिखा दिया कि मेरा मेन फोकस किस में होने वाला है, क्योंकि इस समय बीजेपी सरकार है। और हम एक बार को दो पॉइंट लेके चलते हैं कि अगर बीजेपी सरकार कंटिन्यू करती है तो क्या होगा, और अगर कुछ कमी आती है तो क्या होगा। देखिए, कुछ कमी अगर आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे इस समय जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी सरकार का इम्पोर्टेंट रोल है, और वो काफी 70% से एक तरीके से प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। राइट, अब आ जाते हैं कि ग्रोथ स्ट्रक्चर किस में होगा। जो पीएसयूज के प्रोजेक्ट जो कंटिन्यू हो रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, जिस हिसाब से आपने रोड कंस्ट्रक्शन में एक नया आयाम देखे, बाहर अगर विदेशों की नीति की बात करी जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज की बात की जाए, एफएक्स रिजर्व की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि अगर सरकार सेम आगे रहती है तो उनमें एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, और वो बूस्ट इकोनॉमी को डेवलप करता होगा। बिल्कुल, वैसे तो चुनाव आयोग के रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा है कि टैक्स को लेकर सरकार अंतरिम बजट में बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हम लोग देखें कि जब 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में पीयूष गोयल ने अपनी 100 मिनट की स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने 2.5 लाख से 5 लाख का कर दिया था उन्होंने टैक्स का, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको लुभाने के लिए सरकार फिर से टैक्स में कुछ बदलाव कर सकती है? क्या जो ये लिमिट है इसको 8 लाख तक किया जा सकता है? देखिए, अगर कर दिया जाए तो मैं सबसे अच्छा मानूंगा, लेकिन अगर नहीं किया जाता तो इनडायरेक्ट बेनिफिट कई दे सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट के, जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे सरकार ने 50,000 की एक लिमिट को एक बार ऐड किया था, तो उस तरीके की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं कि कुछ ऐसी चीजें निकल कर आए जो कि डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट आपको बेनिफिट दे, और आपका जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है वो हो सकता है कि आपको रेशियोज वहां पर टैक्स के कम देने पड़े, या फिर उसके कोई अनदर वे हो सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट अगर इतने परसेंट कर रहे हैं तो उसका, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उस पर थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, तो ये सारे फायदे दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम पर्टिकुलर रेलवे सेक्टर की बात करें तो पिछली बार सरकार ने 2.4 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया था, उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए पूरे साल में हमने काम भी देखा है कि रेलवेज़ के ऊपर अच्छा खासा खर्च भी किया गया है। इस बार अगर रेलवेज़ के लिहाज से देखें तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस आप लगाते हैं इससे बजट से? देखिए, मेरा ऐसा मानना है भावना जी कि इस बार रेलवे का जो बजट है, अगर ये इंटरिम बजट नहीं होता तो रेलवे का बजट कम से कम 30% यहाँ पर बढ़ जाता। मैं बहुत बड़ी फिगर हो सकता है, फिगर के नंबर पे आपको नजर आए, लेकिन उसका आप इम्पैक्ट देखिए।
अब हमारे यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, फास्ट ट्रेनें कितनी बेहतर हुई हैं, जहाँ पर हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे वहाँ पर भी बहुत बड़ा जो है वो चेंजेस देखने को मिला। आज अयोध्या की कनेक्टिविटी देखने को मिली, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। राइट राइट। अच्छा, इसका फायदा आम आदमियों को हर तरीके से हुआ है। कैसे हुआ है? एक तो ट्रेवल की कॉस्ट, आपको ट्रेवल का टाइम बहुत कम हो गया। दूसरा, रेलवे स्टॉक्स की सिर्फ अगर बात करें तो रेलवे स्टॉक्स आज 100% ऊपर है। आपको बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आप IRFC देख लीजिए, RVNL देख लीजिए, रेलटेल देख लीजिए, राइट्स देख लीजिए। तो ये ग्रोथ क्यों आपको देखने को मिल रही है? क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना डेवलपमेंट देखने को मिला है, रेलवे काउंटर को उतना डेवलपमेंट है, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू जरूर रहेगा। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो क्योंकि सरकार का जो मेन फोकस अभी तक देखने को मिला है, खासकर हम मोदी गवर्नमेंट की बात करें, तो किसान और महिलाएं, इनके ऊपर सरकार का फोकस रहता ही रहता है। पिछली बार भी इलेक्शन से पहले 4000 से जो किसानों की किश्त आती थी सम्मान निधि योजना के तहत, उसको भी 4000 से 6000 कर दिया था। तो इस बार आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सरकार के बही खाते में, बजट में क्या हो सकता है? देखिए, सरकार ने एक बहुत बड़ी कोशिश स्टार्ट की थी 2014 में, और फिर उसके बाद जब दोबारा 2019 में आई तो उन्होंने कहा, नारा दिया कि हम किसान की इनकम को डबल कर देंगे। राइट। आज किसान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से माने या ना माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी इनकम डबल जरूर हुई है। और सबसे बड़ी बात जो सरकार की क्वालिटी जो मुझे नजर आती है, वो ये नजर आती है कि आटा आज भी वो 30-25 रुपए किलो ही मिल रहा है उसके बावजूद, जबकि गेहूं के प्राइसेस डबल हो चुके हैं। तो सरकार की जो नीति है वो किसानों के लिए तो जरूर होगी। अब एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ है जो कि 12-13% की ग्रोथ दिखाती है ईयरली। और इस समय गवर्नमेंट की अगर देखा जाए तो हम पहले दाल को इम्पोर्ट करते थे, आज दाल हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी हो गई। आज पाम ऑयल हमारी हम बाहर से जो मंगाते थे उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। अब एग्रीकल्चर में आज वीट है, राइस है, तिल है, तिलहन है, इन सभी पे आपको जो है वो मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। राइट। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक पाथ पर है। और साथ ही सरकार ने बहुत सी चीजें चेंजेस की। पहले यूरिया को लेकर के इतना टेंशन देखने को मिलता था, लोगों को खाद नहीं प्रोवाइड हो पाती थी। बिल्कुल। आज वो इतना इजी हो गया है कि कोई भी आदमी उसकी वजह से परेशान नहीं हो रहा है। और उसके लिए कई हेल्प किए, किसान सम्मान योजना कह लीजिए या फिर किसान क्रेडिट कार्ड कह लीजिए। हाँ, जो कि हाँ, बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम रहा है। उस पूरे प्रोसेस को बहुत इजी भी बना दिया है कि एक क्लिक पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ, तो वो सारे बेनिफिट तो आपको मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए सरकार इस बार भी उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि 5-7% का इंक्रीमेंट जरूर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम सेक्टर वाइज बात करें तो रियल एस्टेट की भी बात कर लेते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो 13% हो जाएगा बाय 2025, जो कि अभी 6-7% का है। तो रियल एस्टेट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बजट में। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से प्रायोरिटाइज करेगी इसे अंतरिम बजट में, और इसके साथ ही कि जो हमारे होम लोन बायर्स हैं उनको क्या कुछ बेनिफिट मिल सकता है इस बजट से, उनको भी सरकार डेफिनेटली साधने की कोशिश तो जरूर करेगी। देखिए, दो सेक्टर मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। हाँ। एक रियल एस्टेट और एक NBFC। मैं NBFC इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंकों का जो प्रोसेस है उसमें लोन लेना एक बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल। अब सरकार ने उसका दूसरा रूप क्या निकाल दिया, NBFC के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट आपको जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी समस्या का हल यहाँ पर मिल रहा है आपको, तो आप उसका फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। दूसरी तरफ आपने रियल इस्टेट सेक्टर की जो ग्रोथ है, जो अभी 5-6% आपको देखने को मिल रही है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ऐसी ही चलती रही तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 16-18% भी हो सकती है। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इस समय आप, अब सरकार ने इस चीज को ऐसा नहीं किया, इसमें एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया 2016 और 17 में, जिसमें कि उन्होंने जो पहली बात है रेरा लागू किया। रेरा के बाद जो सबसे बड़ा कदम उठाया कि जो कम पैसा जो बायर है जिनके लिए सरकार स्टेट वाइज भी आपको सब्सिडी देती है, यानी कि जिसे आप कहते हैं कि जैसे आप बहुत एक ही प्लॉट पे आपको दिखता है, एक साइड जो है वो मकान की कीमत 50 लाख रुपए और दूसरी साइड जो आप देखते हैं उसी की कीमत 12 लाख रुपए भी है। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सरकार की इसका फायदा उठाने के लिए आपके इस तरीके की प्रॉपर्टीज को डेवलप कर रहे हैं और ला रहे हैं। तो कई ऐसी कंपनीज है, मुझे लगता है कंपनी का नाम लेना यहाँ पर वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी अभी आगे आने वाले समय में ये कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अब बात करते हैं बजट और बाजार की, कि जब बजट आएगा अंतरिम बजट
तो इसका बाजार पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, जितनी भी गिरावट दिख रही है ना आजकल जो मार्केट में, जितनी वोलेटिलिटी दिख रही है, ये जब क्या होता है, जब किसी को 4 कदम आगे जाना होता है ना तो एक 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। तो मार्केट में जो अभी थोड़ा सा करेक्शन का दौर आ रहा है या और आता है, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि एक करेक्शन थोड़ा सा आ जाए जिससे कि हम नए लेवल्स देखें। अब निफ्टी या सेंसेक्स इन सब की बात करें तो मुझे लगता है कि बजट तक आने तक ये सारे सेक्टर्स, ये सारे स्टॉक्स या निफ्टी कम से कम 5-8% की वृद्धि आपको दिखा सकते हैं। लेकिन अभी तो हम हाल ही में देख रहे हैं कि मार्केट गिर भी रहा है, क्रैश हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब इसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जब अभी आपसे मैंने बताया कि जो रेलवे के स्टॉक्स, डिफेंस के स्टॉक्स 100% बढ़े हुए हैं, अब अगर एक नए कंज्यूमर को खरीदना हो तो उसको डर लगता है 100% बढ़ा, आप क्या बढ़ेगा? बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ये करेक्शन होता है ना, हमारे यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे बहुत सिंपल किया जाता है कि अगर कोई चीज 100% बढ़ी है तो वो 33% तक करेक्शन दिखा सकती है। बिल्कुल। और जब 33% का करेक्शन दिखाती तो उसको फिबोनाची कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, और उसका जो रिवर्सल होता है वो डबल होता है। यानी कि अगर थोड़ा करेक्शन हुआ तो उसका दुगना रैली आपको देखने को मिलेगा। तो अगर 5% मार्केट गिरेगा तो 10% की रैली वहां से दिखेगी। बिल्कुल। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है बजट के आने तक या बजट के बाद, पोस्ट बजट भी? देखिए, अब आते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी तक हमने चर्चा करी है, जिसमें हम स्टॉक से स्पेसिफिक बात करें, डिफरेंट सेक्टर की बात करें। राम मंदिर के लिए अलग सेक्टर है। जब बजट आता है तो कुछ ऐसे स्टॉक से, कुछ ऐसे सेक्टर जो है वो अचानक से उनमें दौड़ चालू हो जाती है। बिल्कुल। अब कौन कौन से सेक्टर है? देखिए, बैंकिंग का, तो आप बैंकिंग को कभी भी निगेटिव मत लेके चलिए, क्योंकि सरकार जितनी भी सब्सिडी, जितने भी ऑपरेशन करेगी वो बैंकिंग के थ्रू करेगी, उसका तो रोल है ही, उनका उनको रखिए। दूसरे सेक्टर की तरफ आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैंने बताया जितनी ग्रोथ ओरिएंटेड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तीसरे सेक्टर की तरफ आते हैं, रेलवे एक वन ऑफ द सेक्टर रहेगा जो कि वापस चढ़ता हुआ नजर आएगा। राइट। चौथे सेक्टर की बात करें तो डिफेंस को आप छोड़ नहीं सकते, तो डिफेंस को आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब पांचवा जो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर जो बजट से रिलेटेड रहता है और बजट पे ही दिखाता है चाल, वो है एग्रीकल्चर का, यानी फर्टिलाइजर केमिकल। मैं फर्टिलाइजर और केमिकल को एक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इनसे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो आप ये 5 सेक्टर को फॉलो कर सकते हैं। राइट। अगर हम रवि सिंह की विशलिस्ट जानना चाहे बजट को लेकर, तो क्या है आपके विशलिस्ट? देखिए, अगर मार्केट से रिलेटेड है तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट यहाँ से 20% बढ़ना चाहिए, और अगर बजट से एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सरकार जितना ज़्यादा टैक्स बेनिफिट, और टैक्स बेनिफिट भले ना मिले लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड बजट अगर होता है तो मेरी विशलिस्ट यही होगी कि वो सारे सेक्टर यहाँ पर परफॉर्म करते हुए। और अगर हम एक आम आदमी के नज़रिए से देखें, क्योंकि आम आदमी की तो एक होता है टैक्स, जो कि हो सकता है कि सरकार इस पर अनाउंस ना भी करे बिकॉज अंतरिम बजट है ये, इसके अलावा दूसरा होता है महंगाई, और एक होता है कि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा कैसे आएगा। सो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार कैसे इसको हैंडल करेगी, कैसे अनाउंसमेंट करेगी इसको लेकर? देखिए, इन्फ्लेशन को लेकर के बार बार आपको उतार और चढ़ाव देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी अगर हम, मैं ये कहूँगा कि कभी अगर हम बाहर से कंपैरिजन करें, यानी आज US, यूरोप, चाइना, अब इन सब कंट्रीज में अगर आप जाके देखें तो वहाँ के हालात फाइट करने वाले हैं, बहुत पुअर हालात दिखाई दे रहे हैं। भारत में अगर थोड़ा इन्फ्लेशन आता भी है तो वो इन्फ्लेशन इसलिए आता है क्योंकि मनी सप्लाई, यानी कि ग्रोथ, अगर जब आप ग्रोथ करता है ना उसी में इन्फ्लेशन होगा, जो ग्रोथ नहीं करेगा उसमें इन्फ्लेशन बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़े से तो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इन्फ्लेशन का समय समय पर RBI ने बड़े अच्छे स्टेप उठाए हैं, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने पीछे देखा होगा जो US का फेडरल रिजर्व आज जो डिसीजन ले रहा है, RBI ने उससे पहले डिसीजन लेकर के अपने जो इन्फ्लेशन है उसको काफी कंट्रोल किया है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमारे RBI गवर्नर जो है वो इस चीज को फॉलो करेंगे और ध्यान रखेंगे कि पब्लिक के पास उस इन्फ्लेशन से लड़ने की क्षमता। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू रवि सर, हम लोगों से कनेक्ट होने के लिए, अपना टाइम हमें देने के लिए।